देश में बीते कुछ वक्त से बाइक टैक्सी का कॉन्सेप्ट काफ़ी तेज़ी से आगे आया है। शहरों में आपको बाइक टैक्सी आसानी से भीड़ भरे रास्तों में रफ्तार भरती दिख जाती हैं, लेकिन क्या आपको इस बाइक की जानकारी है? क्या आपको पता है ये कैसे काम करती है? देश में बाइक टैक्सी सबसे ज़्यादा किस कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है? नहीं पता आपको तो चलिए आपको बताते हैं। वो है गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के नाम, जो देश के 22 शहरों में बाइक टैक्सी का संचालन करती हैं। कंपनी के CMD संजय भाटी लाइव टुडे के न्यूज़ रूम पहुंचे और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी कंपनी काम कर रही है। गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड देश में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए ई बाइक्स का निर्माण शुरू करने जा रही है। कंपनी के CMD से हमने तमाम तरह की बातें की और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से वो अपनी कंपनी को आगे ले जा रहे हैं, और आज जब प्रदूषण इतना बढ़ रहा है खासकर दिल्ली NCR में और बड़े शहरों में, तो उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने उनसे बातचीत की। मैं अगर हम बात करें बाइक टैक्सी की, तो एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरे देश में अगर किसी कंपनी की सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड बाइक है तो वो है गर्वित इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज उसके जो CMD हैं संजय भाटी जी लाइव टुडे के न्यूज़ रूम में पहुंचे। सर, वेलकम है आपका। और आज बात करेंगे हम तमाम सारी चीज़ों को लेकर। कहाँ से सर कॉन्सेप्ट आपको ये आया दिमाग में कि हमें एक बाइक टैक्सी शुरू करनी चाहिए? 4.5 साल हो गए लगभग, जब मैं एक बार मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो जब मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा था तो मैं जाम में फंस गया। तो सिचुएशन ये थी कि जो मुझे लेके जाने वाले लोग थे वो जाम हटा रहे थे और मैं खुद कार ड्राइव कर रहा था। तो दैट वाज टाइम कि जब लगा कि अगर टू व्हीलर्स हों जो किराए पे मिल सकें तो हम आ जा सकते हैं कहीं पे भी आसानी पे। तो ये ऐसे ही दिमाग में। अभी तक लोग ओला उबर को जानते हैं, लेकिन आपने बताया, एक बड़ी चीज़ बताई कि पूरे देश में अगर रजिस्ट्रेशन किसी के पास सबसे ज़्यादा है बाइक्स का, तो वो आपकी कंपनी गर्वित के नाम पे। गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट कंपनी जिसके अपने नाम पे बाइक के रजिस्ट्रेशन है। कोई भी बाइक टैक्सी कंपनी ना तो बाइक बनाती है, हमारी बाइकें हमारे अपने नाम से आती हैं जिसका नाम है बाइक बोट। हमारा ऐप प्ले स्टोर में है बाइक बोट के नाम से। यानी कि इसमें जब दूसरी कंपनीज़ को हमने स्टडी किया, वैसे वो सब हमारे बाद ही हमारे साथ ही स्टार्ट हुए थे, लेकिन हमारा स्टडी पॉइंट ये था कि भारत जैसे देश में ये आइडेंटिफाइड करना कि ये जो बाइक है ये किराए की है या ये नॉर्मल बाइक है। क्योंकि आम आदमी को लगता है कि बाइक पे आप जा सकते हो किसी से लिफ्ट लेके, ये किराए की नहीं होगी। तो उसके लिए फिर हमने ये सोचा कि उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए, मॉडल डिफरेंट होना चाहिए। तो फिर हमने बजाज के साथ टाई अप करके एक बाइक लॉन्च की जिसका नाम है बाइक बोट, और हमारे कंसेप्ट का भी नाम है बाइक बोट। सर, अभी देश में की अगर बात करें, फ्यूल की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको देखते हुए आपने एक नया फैसला लिया है ई बाइक्स का। जी, इसके पीछे क्या वजह रही और कब तक ई बाइक्स जो हैं वो आपकी आ जाएं? हम लगभग 1.5 साल से बाइक टैक्सी के बिज़नेस को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। जैसा आप आंकड़ों से लगा सकते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट कंपनी बाइक रजिस्ट्रेशन के नाम पे, पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे ज़्यादा बाइक हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है। तो हमारी ये चिंता थी कि कैसे फ्यूल मैनेजमेंट पे कंट्रोल करें और दूसरे कैसे पॉल्यूशन पे कंट्रोल करें। तो इस बीच जब हमने बात की गवर्नमेंट्स ऑफिशियल से, हमारी लगातार बात हुई, तो उनका ये कहना था और हमारा भी ये मानना है, क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने की है, मैं केमिकल इंजीनियर, तो मेरा ये मानना है कि पॉल्यूशन को अगर कम करना है तो फ्यूल बाइक से बैटरी की बाइक पे ई बाइक पे आना पड़ेगा। और आप भी फ्यूल बाइक से, आपकी भी जो बाइक बोट है वो ई बाइक्स पे आ जाए? हम बड़े टारगेट्स के साथ ई बाइक पे आए हैं। बड़े टारगेट्स में मतलब शायद हमारी प्लानिंग है कम से कम 1 लाख बाइक 2019 में ई बाइक लॉन्च करना ऑल ओवर द इंडिया बेसिस, और हम उसकी तैयारी कर चुके हैं। इसमें एक और स्टेप आगे की बात है, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड बाइक। एक बाइक होता है ई बाइक कि आप कंपोनेंट्स लेके आ रहे हैं, हाँ बैटरी से चार्ज होगी, आप कंपोनेंट्स लेके आ रहे हैं चाइना से या आप खुद भी बना रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एक है कि जो फ्यूल बाइक है हमारी, यूजलेस फ्यूल बाइक्स, हम उनको हाइब्रिड बाइक के माध्यम से ई बाइक में कन्वर्ट करके चलाने की योजना बनाए हुए हैं। हम छोटे छोटे सेंटर्स, छोटे छोटे वर्कशॉप्स खोलने वाले हैं इंडिया बेसिस पे। हम हमारी जो योजना है अगले साल कम से कम 100 ऐसे सेंटर खोलने की है। अच्छा। हाँ, जहाँ पे हम नॉर्मल बाइक फ्यूल बाइक को कन्वर्ट करेंगे ई बाइक में, और इससे वो बर्बाद भी नहीं होंगी। अगर इससे वो बर्बाद नहीं होंगी, जो जितना भी लोहा है, मतलब किसी आपके पास लेट से पुरानी बाइक है वो किसी काम नहीं आती है, तो हम उसको कन्वर्ट कराने के बाद हाइब्रिड बाइक में कन्वर्ट करा के हम उसको चलाने के लिए किराए पे आप हमें दे सकते हो, आप स्वयं चला सकते हो या आप किसी से चलवा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे ई बाइक्स की आप? ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग की योजना हमारी कंप्लीट है, हम उसमें शुरू कर चुके हैं, वो योजना हमारी चल रही है,
हमारे पास 3 प्लांट हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल ओवर द इंडिया बेसिस, एक रुड़की में शुरू करने वाले हैं, एक लखनऊ में शुरू करने वाले हैं, आज आपसे हमारी मुलाकात हुई है, एक शायद कर्नाटका में हम शुरू करने वाले हैं, उसका प्रॉपर्टी अभी फाइनल नहीं हुआ है, 2 जगह हमारी फाइनल हो चुकी है। चलिए सर, आप यहाँ हमसे इतनी बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भैया, आपने सुना क्या कहना है संजय भाटी का, जो CMD है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर ई बाइक्स का है, और जब ई बाइक्स आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रदूषण से राहत काफ़ी मिलेगी। यहाँ पवन के साथ अनुभव शुक्ला, लाइव टुडे, लखनऊ।